घटेगी, कैपिटल नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर टू पे बात करें, क्वेश्चन नंबर टू में कहता है टेरेंट प्रोड्यूस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट 31 दिसंबर 2009 एंड 2010। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक स्टेटमेंट होती है कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो वो जो स्टेटमेंट होती है जिसमें हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करते हैं वो कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट की तरह की चीज़ है, लेकिन बैलेंस शीट में प्रॉपर कैटेगरीज होती है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, ऐसे ही नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। फिर कैपिटल में आपको फॉर्मेट पता है सोल ट्रेडर का क्या होता है, फॉर्मेट ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में, एड प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्रॉइंग। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सिर्फ ये होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ये होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कह रहे ड्यूरिंग 2010 हिज लॉन्ग टर्म लोन इंक्रीज बाय 3000। क्या मतलब? इस साल हमारा लोन बढ़ गया कितने से? 3000। एक तो 3000 से लोन बढ़ा है, और नेट करंट एसेट डिक्रीज हो गए कितने से? 1000 से। और डिप्रिसिएशन कितनी है? 500। हमें बताना है बाय हाउ मच टोटल कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल कितने से कम हो गया। भाई देखें, कैपिटल अभी हमने बात की, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल कब बढ़ता है भाई? या तो एसेट्स बढ़ जाए तो उससे कैपिटल बढ़ेगा, या तो लाइबिलिटी कम हो जाए तो उससे भी कैपिटल बढ़ेगा। हमें कैपिटल को बढ़ाने की बात करते हैं तो ये होता है। कैपिटल कम कब होगा? अगर हम उल्टा चलना चाहें, कैपिटल कम कब होगा? या तो एसेट्स कम हो जाए या लाइबिलिटीज बढ़ जाए। लाइबिलिटी बढ़ जाए या एसेट कम हो जाए तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले वो कह रहे हैं हमने लोन लिया, यार मुझे बता जब हम लोन लेंगे इसका मतलब टोटल जो हमारा एसेट है उसमें अगर बाहर वालों का पैसा बढ़ेगा शेयर, तो हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब हम लोन लेंगे, लाइबिलिटी लेंगे लॉन्ग टर्म लोन, तो उससे कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक तो 3000 से कैपिटल कम होगा, क्यों? क्योंकि हमने लोन लिया। दूसरा बात करें भाई, वो कह रहा है करंट एसेट्स, नेट करंट एसेट्स डिक्रीज हो गए। नेट करंट एसेट्स क्या होते हैं? वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो एसेट्स कम होने की वजह से भी कैपिटल कम हो जाएगा कितने से? 1000 से। और उसके बाद आखिरी में कहता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है मेरे भाई? एक्सपेंस। जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो उससे भी कैपिटल कम हो जाएगा कितने से? 500। तो तीनों चीज़ें कैपिटल को कम करेंगी, तो आंसर आ जाएगा 4500 से हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा। थोड़ा सा